नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पिनिकल परिवार से। मैं तृप्ति राठौर एक बार फिर से आज मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपसे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछूंगी और आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। फ्रेंड्स, आज का सेशन चालू करते हैं। क्वेश्चन है, सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। सतना स्थित सीमेंट कारखाना स्थापित किया गया है। ऑप्शन देखते हैं, ए अल्ट्राटेक द्वारा, बी बिरला कॉरपोरेशन द्वारा, सी जेपी सीमेंट द्वारा या डी एसीसी द्वारा। फ्रेंड्स, आंसर देखते हैं, बी बिरला कॉरपोरेशन द्वारा। फ्रेंड्स, सतना सीमेंट कारखाने की स्थापना बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है। फ्रेंड्स, रक्षा गाड़ी कारखाना स्थित है, ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन है ए इटारसी में, बी छिंदवाड़ा में, सी खजुराहो में या डी जबलपुर में। फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं, डी जबलपुर में। रक्षा गाड़ी का जो कारखाना है वो जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर है? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर है? ऑप्शन है ए पीथमपुर, बी मालनपुर, सी मंडीद्वीप या डी मनेरी। फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं, ए पीथमपुर। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह पीथमपुर में स्थित है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ? फ्रेंड्स, आपको बताना है भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू हुआ। ऑप्शन देखते हैं, ए 1956, बी 1959, सी 1966 या डी 1969 में। फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं, बी 1959 में। फ्रेंड्स, भिलाई इस्पात कारखाने में 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था जो कि सोवियत संघ समूह द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भिलाई स्ट्रीट प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? फ्रेंड्स, लास्ट में हमने आपको बताया यही इस क्वेश्चन है, भिलाई स्ट्रीट प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, ए सोवियत संघ, बी जर्मनी, सी फ्रांस या डी जापान। आंसर देख लेते हैं, ए सोवियत संघ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मध्य प्रदेश में कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में कैमूर किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देखते हैं, ए सीमेंट उद्योग, बी सिल्क और रेशम उद्योग, सी सूती कपड़ा उद्योग या डी कत्था उत्पादन उद्योग। फ्रेंड्स, इसका आंसर देखते हैं, ए सीमेंट उद्योग। कैमूर जो है कटनी में है और ये सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1969 में, बी 1980 में, सी 1965 में या डी 1972 में। ऑप्शन एक बार हिंदी में देख लेते हैं, ए 1969 में, बी 1980 में, सी 1965 में या डी 1972 में। फ्रेंड्स, आंसर देखते हैं, सी 1965 में। फ्रेंड्स, औद्योगिक विकास निगम का जो मुख्यालय है वो भोपाल में स्थित है और जो 1965 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? ए 1967, बी 1969, सी 1980 या डी 1972। फ्रेंड्स, ऑप्शन एक बार हिंदी में देख लेते हैं, ए 1967, बी 1969, सी 1980 या डी 1972। फ्रेंड्स, इसका आंसर देख लेते हैं, बी 1969 में।
राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के नेपा नगर में निम्न में से क्या स्थित है? फ्रेंड्स आपको बताना है मध्य प्रदेश के नेपा नगर में निम्न में से क्या स्थित है। ऑप्शन देखते हैं, ए चीनी कारखाना, बी अखबारी कागज का कारखाना, सी स्टील प्लांट या डी बड़ा अभियंत्रिक प्लांट। फ्रेंड्स इसका आंसर देख लेते हैं, बी अखबारी कागज का कारखाना। फ्रेंड्स नेपा नगर में अखबारी कागज का कारखाना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, ओमान बिना रिफाइनरी परियोजना कहाँ स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, ए सागर, बी इंदौर, सी भोपाल या डी जबलपुर। फ्रेंड्स ओमान बिना रिफाइनरी परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? आंसर देख लेते हैं, ए सागर में। फ्रेंड्स ओमान बिना रिफाइनरी परियोजना मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना के पास आगासोद में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, ए देवास, बी होशंगाबाद, सी भेड़ाघाट या डी सागर। फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं, ए देवास। फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस जो है देवास में स्थित है और इसकी स्थापना 1974-75 में की गई थी। यहाँ पर 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोट बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, प्रदेश में नोट छापने के कागज का कारखाना कहाँ पर स्थित है? नोट छापने के कागज का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, ए देवास, बी भोपाल, सी इंदौर या डी होशंगाबाद। फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं, डी होशंगाबाद। होशंगाबाद में जो है नोट छापने के कागज का कारखाना है, जिस कागज से नोट छापते हैं वो कारखाना होशंगाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भोपाल में भेल कारखाना कब स्थापित किया गया? फ्रेंड्स भेल यानी BHEL, तो बताना है भोपाल में भेल कारखाना कब स्थापित किया गया। ऑप्शन है, ए 1950, बी 1960, सी 1965 या डी 1975। फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं, बी 1960। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रदेश में अल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ पर है? प्रदेश में अल्कोलाइट फैक्ट्री कहाँ पर है? ऑप्शन देखते हैं, ए इंदौर, बी मंडीद्वीप, सी नीमच या डी धार। फ्रेंड्स आंसर देखते हैं, सी नीमच। प्रदेश में अल्कोलाइट फैक्ट्री नीमच में स्थापित है, जो कि 1 अप्रैल 1935 में स्थापित की गई थी। 1 अप्रैल 1935 में नीमच में अल्कोलाइट फैक्ट्री की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, पीथमपुर किस मुख्य उद्योग के लिए जाना जाता है? पीथमपुर जो है धार के अंतर्गत आता है और यह किस उद्योग के लिए जाना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए आतिशबाजी यानी पटाखे, बी कृषि, सी स्वचालित वाहन या डी पेट्रो रसायन। फ्रेंड्स आंसर देखते हैं, सी स्वचालित वाहन। फ्रेंड्स पीथमपुर जो है स्वचालित वाहन के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता? कौन सा शहर जो है औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता? फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं, भोपाल, सागर, इंदौर या जबलपुर। फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं, सागर। फ्रेंड्स सागर जो है वो औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता। भोपाल, इंदौर और जबलपुर विकसित शहर माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित हार्ट अथवा एम्पोरियम का नाम क्या है? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश उद्योग निगम द्वारा संचालित हार्ट अथवा एम्पोरियम का क्या नाम है? ऑप्शन देखते हैं,
ए चांदनी, बी मृगनैनी, सी नैनाभिराम या डी नयनसुख। फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं, बी मृगनैनी। फ्रेंड्स मृगनैनी जो है हार्ट और एम्पोरियम का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शक्कर यानी चीनी का कारखाना कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं, ए छतरपुर, बी दतिया, सी बरलाई या डी भिंड। फ्रेंड्स इसके आंसर को देखते हैं, सी बरलाई। बरलाई में जो है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी का कारखाना यहीं पर स्थित है। फ्रेंड्स नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट शीट उद्योग निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? सीमेंट शीट उद्योग निम्न में से कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स ऑप्शन देखते हैं, ए बालाघाट, बी कटनी, सी होशंगाबाद या डी टीकमगढ़। फ्रेंड्स इसका आंसर देखते हैं, बी कटनी। फ्रेंड्स कटनी में सीमेंट शीट उद्योग स्थित है जो कि 1923 में स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर आज का सेशन खत्म होता है। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। क्वेश्चन ऑफ द डे में क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स आपको बताना है एशिया में सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है, ए उज्जैन, बी भोपाल, सी धार या डी जबलपुर। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। फ्रेंड्स सेशन पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।